नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड वाइल ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसके बारे में बात करने वाला हूं सब्जेक्ट है सेफ्टी इंजीनियरिंग टू पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट कोड 104 इसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछा जाता है उसका क्वेश्चन में मार्क्स वेटेज जो है वो फाइव टू टेन मार्क्स है क्वेश्चन में आपको वर्ड्स सेफ्टी प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड वाइल ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थ्रू पाइपलाइन यानी कि पाइपलाइन के जरिए आप जब भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको सुरक्षा का क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में हमें बताना रहता है दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा अगर आपने मेरी चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बाजू में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आप सेफ्टी रिलेटेड दूसरा अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे सेफ्टी रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं और उसकी लिंक विथ टाइटल दोनों रखा हुआ है तो आप उसमें से जो देखना चाहे वो देख सकते हैं आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्रूड ऑइल एंड नेचुरल गैसेस आर सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टेड बाई अंडरग्राउंड पाइपलाइंस यानी कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसमें क्रूड ऑइल है नेचुरल गैस है और अदर्स केमिकल्स जो है और अदर गैसेज जो है वो सब ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन के जरिए अंडरग्राउंड में किया जाता है द पाइपलाइंस आर यूजली बरीड अबाउट वन मीटर अंडरग्राउंड एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरोजन्स यानी कि अंडरग्राउंड में पाइपलाइन को एक मीटर के नीचे अंडरग्राउंड में पाइपलाइन को किया जाता है बड़ी जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और उसका उसमें ज़मीन के अंदर होने के कारण अंडरग्राउंड होने के कारण पाइपलाइन में कोरोजन होने का चांसेस बढ़ जाता है उसके लिए आपको उसको कोरोजन प्रोटेक्शन भी देना है लीकेज आर लाइकली टू अकर्स द पाइपलाइंस हैव टू बी चेक कॉन्स्टेंटली यानी कि अंडरग्राउंड में पाइपलाइन होने के कारण आपको उसको कंटिन्यूसली उसका पाइपलाइन लीकेज हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में चेकिंग करना रहता है द बिगेस्ट डेंजर टू पाइपलाइन कम फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज लाइक अनऑथराइज डिगिंग एंड फ्रॉम कोरोजन यानी कि जो खतरा है पाइपलाइन को सबसे बड़ा उसमें अनऑथराइज लोग जो है डिगिंग करते हैं तभी तो हो सकता है डैमेज या तो कोरोजन की वजह से पाइपलाइन को डैमेज हो सकता है पाइपलाइन शुड बी गिवन स्पेशल एडिशनल प्रोटेक्शन एट वेरियस पॉइंट एलोंग द रूट एज रोड एंड ड्राइवर क्रॉसिंग्स यानी कि आपकी पाइपलाइन जब अंडरग्राउंड जाती है तभी आपको स्पेशल एडिशनली प्रोटेक्शन देना पड़ेगा जब वहाँ पे रोड पे होता है या रिवर क्रॉसिंग होता है या रोड क्रॉसिंग होता है तो वहाँ पे आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन या एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशन डिस्प्ले करना रहता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पाइपलाइन ऑल वेल्ड्स आर विजुअली एग्जामिन जनरली ये परसेंटेज आर रेडियोग्राफ्ट टू एंश्योर दैट देर इज नो क्रैकिंग और अन डू स्लग इंस्ट्रक्शन एंड दैट देर इज सूटेबल फ्यूजन बिटवीन द वेल्ड एंड द पेरेंट मेटल यानी कि जब भी वेल्डिंग आप करते हैं पाइपलाइन को तभी वो पेरेंट मेटल होना चाहिए और दूसरा या तो आप उसका पैरालली जो उसके साथ मैच हो सकता है वही होना चाहिए अलग दूसरी तरीके का वेल्डिंग अगर किया है तो उसमें क्रैकिंग आने का चांसेस रहता है द पाइपलाइन इज़ व्रेप्टेड टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट कोरोजन वंस इट इज़ बरीड पाइपलाइन कंट्रोल सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग लीक कंडीशंस एंड इनिशिएटिंग द अप्रोप्रिएट एक्शन टू शट डाउन द सिस्टम एंड मिनिमाइज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लीक यानी कि पाइपलाइन अंडरग्राउंड जाती है तभी अगर कुछ कहीं पे लीकेज होता है या कुछ incidents या एक्सीडेंट होने का चांस रहता है तभी आपको उसको इस टाइप का सिस्टम अरेंजमेंट करना चाहिए कि कहीं से भी आप बीच में जो पाइपलाइन के अंदर प्रोडक्ट जाता है उसको आप वहां से बंद कर सकते हैं शट डाउन कर सकते हैं और इसकी वजह से जो प्रोडक्ट लीकेज हो रहा है उसको मेंटेनेंस भी कर सकते हैं और मिनिमम लॉस भी इसकी वजह से हो सकता है थैंक यू दोस्तों